हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का, जो कि एक स्टार्टर है। अक्सर मेहमानों को स्टार्टर के तौर पे परोसा जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। और इससे हम खाने के लिए बाहर जाते हैं, बाजार में या फिर किसी रेस्टोरेंट में। तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे, वो भी बिना माइक्रोवेव के तवे पे। तो आइए बनाते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पनीर, जिसके मैंने बड़े टुकड़े कर लिए हैं, इन्हें क्यूब्स में काट लिया है इस तरीके से। 250 ग्राम शिमला मिर्च, इसके मैंने जो बीज है वो निकाल दिए हैं और इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। 4 लाल टमाटर, इसके जो बीज का हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया है और इस तरीके से इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। करीब 4 प्याज और इसे इस तरीके से काट लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून देगी मिर्च। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, पर देगी मिर्च से कलर अच्छा आता है और ये कम तीखी होती है, तो इसलिए मैंने देगी मिर्च ली है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर दही ऐड कर देंगे। बेसन ऐड कर देंगे अरारोट ऐड कर देंगे देगी मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट नमक स्वाद अनुसार गरम मसाला और थोड़ा सा ऑयल। बाकी ऑयल हमने बचा लिया है, करीब 1-2 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, आधा बचा लेंगे। अब हम इसमें पनीर और सारी सब्जियां मिलाकर इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। इन्हें मिक्स कर देंगे इसके अंदर और पनीर को भी मिला देंगे और अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। और फिर इसे कोट करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से कोट कर लिया है बिल्कुल। और आप इसे अगर हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, ये मैंने थोड़े से स्क्यूअर लिए हैं पनीर टिक्का के लिए, इसे हम पानी में भिगो देंगे। जब ये एक साइड से भीग जाए तो इसे पलट देंगे, इस साइड से भी भिगो देंगे। और अगर आपके पास स्क्यूअर्स ना हो तो आप जो छोटी वाली टूथपिक आती है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्जियों को थोड़ा पतला काटना पड़ेगा और पनीर के टुकड़े भी थोड़े छोटे काटने होंगे। आधा घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और ये जो मैंने स्क्वेयर्स भी भिगोए थे ये भी निकाल लिए हैं। अब हम एक स्क्वेयर लेंगे और इसके अंदर ये सारी सब्जियां और पनीर को अरेंज करेंगे। इस तरीके से एक एक करके इसमें डालेंगे।
ये देखिए इस तरीके से लगाते जाएंगे, कलरफुल सा बना देंगे बिल्कुल इसे। प्याज लगा देते हैं, फिर से पनीर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से लगाते जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे पनीर टिक्का स्क्वायर्स में लगा लेंगे। अब हम इन्हें तवे पर सेकेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और उस पर एक नॉनस्टिक तवा रखेंगे। अब इस पे तेल थोड़ा सा डाल देंगे, हिला देंगे इसे अच्छी तरीके से पूरे तवे पे। और इस पे पनीर टिक्का रख देंगे इस तरीके से। गैस को हम मीडियम पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद हम इस पे ऑयल डालेंगे। करीब एक मिनट हो गया, अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से तेल डालेंगे और इसे पलट के देखते हैं कि एक साइड से पका है या नहीं। अभी ये नहीं पका है, इसे थोड़ी देर और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और फिर इसे पलट देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये एक साइड से पका या नहीं। इसे इस तरीके से घुमाते रहेंगे, हमें चारों तरफ से इसे पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। इसे इस तरीके से घुमा घुमा कर पलटते रहेंगे जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर ये चिपक जाए तो इसे हल्का सा इस तरीके से चुटा लेंगे और फिर घुमा देंगे। इसे हम इसी तरीके से घुमा घुमा कर चारों तरफ से पका लेंगे। ये देखिए मैंने पनीर टिक्का को हर तरफ से अच्छे तरीके से सेक लिया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो तवे पर इस तरीके से भी सेक सकते हैं। इस तरीके से सेक लें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। और सेकने के बाद इसे स्क्वायर में या फिर टूथपिक में लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाल देंगे। और ये देखिए हमारा बिल्कुल बाजार जैसा यम्मी पनीर टिक्का रेडी हो गया सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।